तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग के बारे में। जी हाँ, आपके साथ जो कोर्स डिस्कस कर रहा हूँ वो है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। एक वर्किंग प्रोफेशनल को क्या क्या चीजें आनी चाहिए, इस कोर्स की नई कोर्स हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवीण जी है और प्रवीण जी के साथ मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं बताऊंगा फंडामेंटल, मतलब कि एक्सेल को और कहाँ कैसे यूज किया जा सकता है। तो फंडामेंटल के बारे में जानते हैं, क्योंकि थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट भी हो जाना सही रहता है क्लास में। तो मैं अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दे रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं कि एक्सेल को, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि एक्सेल को एक्सेल के जरिए आप करते क्या है तो क्या करेंगे, एक सही सटीक आंसर आपके पास होना चाहिए कि हम एक्सेल के जरिए इस तरह का काम करते हैं। तो पहले इस तरह को समझ लीजिए कि आप किसी भी कंपनी में, चाहे MNC हो या बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो या लाला छाप कंपनी हो, आप जो है एक्सेल में वहां जाके करेंगे क्या। बात समझे? यस सर। तो आज हम इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम चलिए आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। अगर हम सिंपल बात बोले आम भाषा में, तो एक डिजिटल रजिस्टर, आप अगर इमेजिन करें कि आज से 30-35 साल पहले जब कंप्यूटर इंडिया में था ही नहीं, या था भी तो उतना क्रेज नहीं था, मान लीजिए उस समय काम कैसे होता था। जो काम अभी आप एक्सेल पे कर रहे हो, उस काम के लिए हर डिपार्टमेंट के हर एक बाबू के पास क्या था, एक रजिस्टर रखा होता था। वो जो भी लेन देन, जो भी बही खाता, एनालिसिस जो भी होता था, वो उसको रजिस्टर में मेंटेन करता है। और सरकारी दफ्तरों में आज भी रजिस्टर है वहां पे कुछ जगहों पे, ठीक है सर। तो चलिए हम आपको बेसिक, मैंने जो पिछले 15 साल में एनालाइज किया है, फील किया है कि एक्सेल के जरिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा डेटा स्टोरेज। हम एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, बट एक डेटाबेस नहीं है, इसको डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे नियम, बहुत सारे जो उसके क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे एक्सेल खड़ा नहीं करता है। जैसे कि इसमें लिमिटेड रो एंड कॉलम्स है, एक ज्यादा फाइल इसमें अगर इंस्टॉल करते हो तो हैंग हो जाता है, करप्ट हो सकता है, इसकी सिक्योरिटी बहुत वीक है, कोई भी इसकी सिक्योरिटी को तोड़ सकता है, इसके फाइल को इजिली डिलीट कर सकता है, ऐसे बहुत सारे हजारों कारण है इसलिए इसको डेटाबेस यूज नहीं कर सकते। तो इस पे डेटाबेस अगर जब नहीं बना सकते तो इस पे किस तरह का डेटा हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो इस पे जो डेटा स्टोर होगा वो डेटा स्टोर होगा कई तरह का। सबसे पहला मिसलेनियस डेटा, जैसे मान लीजिए कि आप टैली यूज करते हैं, ठीक है प्रवीण जी, आप टैली यूज करते हैं और टैली के लिए आप सारा अकाउंटिंग सिस्टम टैली पे डालते हैं, लेकिन फिर भी आप एक्सेल यूज करते हैं। क्यों? आपके जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसको पेटी कैश कहा जाता है, उसका रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे आप? आपने अब 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, 3 रुपए के चाय पी है, इसके लेजर तो आप टैली में क्रिएट नहीं कर सकते ना। टैली में तो आप सिंपल से एक पेटी कैश का लेजर क्रिएट करेंगे और उसमें पेटी कैश का डेबिट क्रिएट करेंगे, लेकिन पैसा आपने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया उसका हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल को। तो मिसलेनियस जो डेटा होता है उस डेटा हम यूज करते हैं एक्सेल के लिए। तो प्रवीण जी थोड़ा देर के लिए लॉग आउट हो गया था, इसलिए उनको मैं दोबारा से समझाता हूं। तो मैं बात कर रहा था डेटा स्टोरेज, तो एक तरह से डेटा स्टोरेज है लेकिन ये डेटाबेस नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के बहुत सारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, जैसे कि इस फाइल की साइज है, ज्यादा फाइल डालने पे बहुत हैंग करता है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने पे करप्ट होने के चांसेस होता है, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही वीक है। और जब भी हम इसमें कुछ भी
पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो इसको इजीली तोड़ा जा सकता है और पूरी की पूरी फाइल को भी कोई डिलीट कर सकता है। ठीक है सर। तो इसमें किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे, इसमें हम डेटा स्टोर किस तरह का करेंगे? इसलिए हम पहला डेटा स्टोर करते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस डेटा मतलब कि जब आप मान लीजिए टैली ही मान लीजिए, जब हम टैली हमारे पास था तो टैली में हम लोग अकाउंटिंग करते थे, अकाउंट की सारा डिटेल्स हम टैली में डालते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे के लिए जिसको पेटी केस कहा जाता है वो तो उसके लिए तो हम ये नहीं कर सकते ना, क्या बोलते हैं उसको, 2 रुपए की चाय, 3 रुपए की फोटो स्टेट, ऐसी चीजें तो एंट्री नहीं कर सकते। इसके लिए हम पेटी कैश का एक अलग रिकॉर्ड एक्सेल पे रख देते हैं। अब बात करते हैं हम जैसे पेरोल टीम है मान लीजिए, वो अटेंडेंस और सैलरी के लिए अपने पास सॉफ्टवेयर है उसके, लेकिन फिर भी एक्सेल यूज करते हैं अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद आता है एनालिटिक्स डेटा। अब मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट आपने बनाया तो उस रिपोर्ट के लिए डेटा तो खरीदना पड़ेगा। आपने मान लीजिए आपको कोई डेटा पर एनालिसिस करना है, रिपोर्ट बनाना है, तो आपने सॉफ्टवेयर से डेटा को डाउनलोड किया और उसको आपने अपने सिस्टम पे कहीं रखा। उसके बाद आप जो है अपना उसके ऊपर रिपोर्ट, डैशबोर्ड, समरी बनाएंगे। तो मिसलेनियस डेटा ये हम रख सकते हैं, हम एनालिटिक्स डेटा को रख सकते हैं। उसके बाद छोटे मोटे उद्यमी होते हैं जैसे एसएमई, हम जैसे लोग हैं इनके पास मंथली के डेटा बहुत कम ही होते हैं, तो ऐसे लोग भी अपने डेटा को एक्सेल पर रख सकते हैं। छोटे मोटे एसएमई, शॉर्ट मिनिमम इंटरप्राइजेस जो होते हैं वो रख सकते हैं। तो पहला काम डेटा स्टोरेज का है, बट एक डेटाबेस नहीं है। मिसलेनियस डेटा रख सकते हैं, एसएमई अपने डेटा रख सकते हैं और एनालिटिक्स डेटा को रखा जाता है एक्सेल के ऊपर। अब दूसरा पार्ट आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से बेस्ट कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। कैलकुलेशन के लिए सबसे बेस्ट हमारा एक्सेल है। क्यों? क्योंकि बाकी अगर डेटाबेस की हम बात करें, बाकी बात करें हम एक्सेस की बात करें, ओरिकल की बात करें, एसक्यूएल की बात करें, और भी जो डेटाबेसेस है उसमें कैलकुलेशन फील्ड टू फील्ड होता है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, लेकिन यहाँ पे सेल टू सेल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि क्वार्टर वन है और क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में यहाँ पे 50 सेल हुआ है, क्वार्टर टू में 60 सेल हुआ है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। तो सिंपल यहाँ अपना मैथमेटिकल कंसेप्ट अपनाएंगे कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और रिजल्ट आ गया, इसे परसेंटेज का हम सैंपल ले रहे हैं। हो गया, हमने यहां पे परसेंटेज का सैंपल दे दिया। सो हमने यहां पे देखा आपने कि हमने यहां पे एक सेल के अंदर कैलकुलेशन कर दिया। तो जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लॉजिकल कैलकुलेशन है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन एक्सेल पे किया जा सकता है। जो कैलकुलेशन आप नोट पैड पे पेन पेंसिल से कर सकते हैं वो कैलकुलेशन एक्सेल में पॉसिबल है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्मूले भी है कैलकुलेशन करने के लिए। सो अगर आपको कैप रेट कैलकुलेट करना है, आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, आपको सैलरी कैलकुलेट करना है, आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, हर एक चीज की कैलकुलेशन आप एक्सेल पे कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद आता है एनालिसिस।
एनालिसिस के लिए भी एक्सेल बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है। किसी भी तरह की समरी, किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी डेटा पे चाहिए आपको तो उसको आप इजीली ले सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मेरे पास एक डेटा है, मैं बस मैं जानना चाहता हूँ कि किस पर्सन ने किस सिटी के किस एरिए में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, मुझे ये पता करना है। अब ये इंफॉर्मेशन मैं इस डेटा से विद इन मिनट में, एक मिनट से भी कम टाइम में निकाल सकता हूं। देखिए हमने यहां पे एरिया को रखा कॉलन में, सिटी को रखा यहां, और क्वांटिटी को टोटल में, और इसके ऊपर इंसर्ट किया, एक चार्ट लेता हूं। डिजाइन में, और इसके भी डिजाइन पे आता हूं, इसका भी एक फॉर्मेट ले लेता हूं। बन गए तैयार। तो हमने एक मिनट से कम टाइम में हमने एक रिपोर्ट, एक डेटा एनालाइज कर लिया और एक समरी, एक इंफॉर्मेशन निकाल लिया। तो एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि क्या होता है कि इस बाकी सॉफ्टवेयर में बने बनाए टूल्स होते हैं, बट यहाँ एक्सेल में फैसिलिटी होती है कि अगर कोई टूल्स आपके पास नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई टूल्स क्रिएट कर लें। सो एनालिसिस है। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन। अब बोले सर प्रेजेंटेशन के लिए तो हम लोग जनरली पीपीटी यूज करते हैं, बट क्या है कि पीपीटी यूज करेंगे आप सिंपल रिपोर्ट के लिए, लेकिन आपके पास अगर कोई डायनेमिक रिपोर्ट हो तो उसके लिए पीपीटी दिक्कत होता है। जैसे इसी की बात कर ले, मुझे इसी को रिप्रेजेंट करना है और इसमें नेम डाला हुआ है ऊपर, तो अब मुझे क्या आता है कि यहाँ पे ऑल ओवर है, मैं यहाँ पे अमर का सिलेक्ट किया तो मेरे पास पूरा अमर का डेटा आ गया। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ देव का तो देव का डेटा आ गया। बट पीपीटी में तो ऐसे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होगा ना, जितने नाम होंगे उतने अलग अलग स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे हमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, बट यहाँ सिंपल है। और अगला जो ऑप्शन है वो है शेयरिंग, कि डेटा को शेयर करना। अगर मान लीजिए मुझे इस रिपोर्ट फाइल आपको भेजना हो तो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेफर मैं क्या करूँगा, एक्सेल फाइल। कोई भी डेटा, कोई भी रिपोर्ट, किसी तरह की चीजें भेजनी है तो हम एक्सेल फाइल में डाल कर आपको भेज देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक्सेल फाइल आपके पास हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट जैसे कि ओपन आरजी है, एक्सेल व्यूअर है, सिम्फनी है, ऐसे सॉफ्टवेयर होगा। अगर वो भी नहीं है तो आप डायरेक्ट जीमेल पे गूगल शीट के जरिए खोल सकते हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक्सेल से बेटर रिपोर्ट बनाता है, जैसे कि यहाँ पावर बीआई है, बट पावर बीआई में रिपोर्ट बनाओ और मैं आपको भेजू तो आपके पास पावर बीआई होना चाहिए। आपके पास पावर बीआई नहीं है तो मेरे इस रिपोर्ट को आप नहीं देख पाएंगे, और पावर बीआई सबके पास होना ये जरूरी नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल शीट तो सबके पास होगा ही होगा, इसलिए एक्सेल इतना पॉपुलर हुआ। बना और भी एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर है, स्पेशली सॉफ्टवेयर है जो पॉपुलर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक्सेल का ऑफिस के अंदर एक्सेल का यूज हम लोग करते हैं डेटा स्टोरेज, डेटा कैलकुलेशन, एनालिसिस, रिपोर्ट एनालिसिस, रिपोर्ट रिप्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट शेयरिंग के लिए। क्या प्रवीण जी, प्रवीण जी समझ में आया आपको? सर म्यूट है, म्यूट कीजिए। ओके ओके सर ओके। अब हम बात करते हैं कि इस कोर्स के लिए, अगर अभी कोर्स करने जा रहे हैं, देखिए तो मैं आपको डेली बेसिस में उतना ही चीजें पढ़ाऊंगा जितना आप ऑब्जॉर्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग हैं वर्किंग प्रोफेशनल हैं, और मेरी इंटेंशन कभी ये नहीं होती है कि मुझे अपना टॉपिक खत्म करना है। मेरी इंटेंशन ये होती है कि जो चीज मैं आपको पढ़ाऊं उसको आप समझे और अपने ऑफिस में उसको यूटिलाइज करें। समझना भी बड़ी बात नहीं है, अच्छा आज आप समझ लिया जान गए वो आपको हमेशा याद नहीं रहेगा, आप हफ्ते दो हफ्ते में उसको भूल जाओगे। उसको अगर आप ऑफिस में यूटिलाइज कर रहे हो अपने डेली रूटीन में तो आपको हमेशा याद रहेगा।
सो जो भी मैं पढ़ा हूँ उसको आप अपने ऑफिस में यूटिलाइज करें। दूसरा, आपको भले मैं क्लास आधे घंटे का दूँ, 45 मिनट का दूँ या एक घंटे के दूँ, लेकिन आपके पास घंटे से डेढ़ घंटे का प्रैक्टिस टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है तो कोर्स को करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करेंगे, चाहे मेरे पास या किसी और के पास, क्योंकि एक्सेल जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स नीड द प्रैक्टिस, ये हमें बचपन पढ़ाया गया था। तो मैथमेटिक्स की तरह है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। और हम जो कोर्स अपना स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मेनू के हिसाब से। पहले हम फाइल मेनू वाले को सिखाएंगे, फिर होम को सिखाएंगे, फिर इंसर्ट को सिखाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी कोर्स कहाँ पे है, आज आपने क्या टॉपिक किया है और उसके बाद कल क्या टॉपिक होगा। ये आपको हमें बताने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद ब खुद पता होगा, क्योंकि हम मेनू के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हर क्लास रिकॉर्ड होगी, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। किसी कोई क्लास अगर मिस कर जाते हैं, अगर क्लास कंडक्ट होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। कभी अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर मैं नहीं ले पाता हूं तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो कल से 7:00 बजे हम स्टार्ट करते हैं।